बिजनौर उत्तर प्रदेश जी 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 जी। आपका शुभ नाम क्या है? नवनीत कुमार नाम। नवनीत कुमार जी नवनीत कुमार चौहान। चौहान। तो नवनीत जी आप क्या काम करते हैं? पर मेरा बिजनेस है अपना, स्कूल का कार्य है, स्कूल का। स्कूल चलाते हैं? जी। अच्छा ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए आपने किस प्रयोजन से फोन किया? सर हम भी चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको ये बात समझ में आई है कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है? जो 77 सालों में आपके राजनेताओं ने आपको वंचित रखा है, नहीं दिया है, वो सब मिल जाएगा। प्योर आप इस पूरी फिलॉसफी से कहां तक सहमत हैं? सर हम तो 101% सहमत है पूरी फिलोसफी से। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके राजनेताओं ने जानबूझकर हमारे ऊपर वही नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए और जटिल प्रक्रिया में उलझा कर रख कर वर्षों वर्ष न्याय से वंचित रखने के लिए जो सोची समझी साजिश थी, जो सोची समझी व्यवस्था थी, दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि वह आज भी हमारे ऊपर थुपी हुई है। और जो हेलो तीन जी। नए कानून आए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, तो नए कानूनों में भी वो आत्मा नहीं बदली गई है। अभी भी हम संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस में फंसे हुए हैं जी और जी जी सर। कानून की आत्मा के निर्देश के बावजूद भी हमारी पुलिस हमारे ऑफेंस को रजिस्टर नहीं करती है। सर सही बात है। राजनीतिक प्रभाव में या धन के प्रभाव में जी हमारे अपोनेंट को बुलाकर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं जी जी और एक व्यक्ति कोई दोषी हो सकता है, पूरे कुनबे को, पूरे खानदान के झूठे नाम भर दिए जाते हैं और उन्हें जी गिरफ्तार करके बरसों बरस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है यस और जो है उसको अंदर से तोड़ दिया जाता है। जी सही बात है। यस सर अंग्रेजों से भी ज्यादा, अंग्रेजों से भी ज्यादा इस समय भयंकर शासनकाल हो रहा है, यही समस्या है। क्या माननीय योगी जी के शासन से और चीजों से आप खुश नहीं हैं? अरे योगी सर, योगी जी के शासन से तो खुश है, लेकिन जो नियम प्रणाली है उसमें सर थोड़ा कुछ चेंजिंग होना चाहिए। देखो ये तो पहले लिखा हुआ है संविधान में कि समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर नियम चेंज हो सकते हैं, नियम प्रणाली चेंज कर दी जा सकती है, लेकिन करते ही नहीं लोग। ये बताइए, यदि ये नियम कानून आज के नेताओं की मदद कर रहा है जी और आज के नेता अपनी मर्जी से जाति, धर्म, संप्रदाय, धर्मांधता के और संकीर्ण राजनीतिक सोच के अनुसार ऐसे जी लोगों को टिकट देते हैं और वो भी जाति, धर्म, संप्रदाय, धार्मिक और संकीर्ण राजनीतिक आधार पर जी धनबली, बाहुबली, अपराधी, इनको सर यही टिकट हो दे। रहा है, यही हो रहा है। था बाहुबली हो, धन से बड़ा हुआ हो, अपराधी हो, उसको टिकट मिल रहा है। और वो धनबली, बाहुबली, अपराधी जी दारू बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, पैसे बांट जी रहा है, अपने बल का जो है भय दिखा रहा है और जी हम में से अधिकांश बुद्धिजीवी वोट देने नहीं जा रहे हैं और जो बेचारे दूसरे लोग हैं जी वो ये धन के प्रभाव में उन्हें खरीद पा रहे हैं और सही हो रहा है। हमारे वोट से जीतने के बावजूद भी ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी जी फिर से बंधे हुए एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? सर ये मैं तो पूरा सहमत हूँ कि वास्तविक बने हुए हैं प्राणी लोग, बने हुए हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए इसको खत्म करने के लिए। नवनीत जी, जो मैं बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ जिसमें ना तो आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कोई पुतलों का दहन करना है, ना रेल रोको करना है, ना रोड रोको करना है, ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है,
ना ही किसी कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना है और ना ही जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना है, और अपने ही घर पर बैठकर अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, और जिन संगठनों से, जिन समुदायों से, जिन ग्रुपों से हम जुड़े हुए हैं, इनमें ऐसी सोच रखने वाले जो अपने बच्चों को 21 महालक्ष्यों के तहत और 5 मौलिक अधिकारों के तहत, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, हेल्थ का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, और भोजन केवल अन्न तक सीमित नहीं है, भोजन का मतलब है मल्टीग्रेन, भोजन का मतलब है सब्जियां, भोजन का मतलब है फल, भोजन का मतलब है दूध दही घी शहद और जीवन वर्धक औषधियां, और ये मौलिक अधिकार के तहत सबसे गरीब व्यक्ति जिसके जेब में एक पैसा नहीं है उसे भी मिलेंगे, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, जी सही उसे जो है उसके डेबिट अकाउंट पर उसे ये जो खर्च आएगा वो उस पर अमाउंट किया जाएगा, और फिर जो है हमारे सिस्टम के लोग उनके पास पहुंचेंगे और उनसे चर्चा करके उनकी इच्छा, उनकी सोच, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देकर, टूल्स देकर, टीम में बनाकर, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर, उन्हें जितना डेबिट अकाउंट में खर्च हो रहा है उससे कहीं अधिक जो है उन्हें कमाने की क्षमता विकसित करते हुए ना केवल जो है मौलिक अधिकार शिक्षा का, और बल्कि सबको मिलाकर मौलिक अधिकार समृद्धि का भी जो है ना लोगों को मिल जाएगा। सही है तो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और जी कहीं पर भी मैं आपको अपना सोच, अपना चिंतन बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं क्या? सर सही यदि आप जातिगत संकीर्णता में फंसे हुए हैं तो क्या मैं उस जी जातिगत नहीं संकीर्णता से आपको बाहर निकाल रहा हूं क्या? सर बिल्कुल यदि आप सांप्रदायिक संकीर्णता में फंसे हुए हैं तो क्या मैं उससे बाहर निकाल रहा हूं? नो सर क्या आप धर्मांध हैं और धर्म के जो गुरु हैं जिन्हें अपने प्रवचनों में क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के तहत आम आदमी का जन कल्याण हो सकता है ये कहना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, अपने लाभ की बातें कर रहे हैं और करोड़ों रुपए के स्वामी बन गए हैं, क्या हम इस धर्मांधता या संकीर्ण धार्मिक सोच से आपको बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं यदि आप जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त हैं तो क्या हम आपको राजनीतिक संकीर्णता से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं क्या? सर मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का अनुभव तो नहीं, मैं समाज का अनुभव, समाज तो सुधारक का जब अनुभव। आपको कुछ नहीं करना है और हम आपका इकोसिस्टम बदल के, ये जितने भी हमने संकीर्णताएं कहीं उनसे आप निजात पा पाएंगे, आपको जो है 21 लक्ष्यों के तहत अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, समृद्ध भारत मिल जाएगा, 5 साल के अंदर किसी भी भारतवासी को किसी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत ने जो विजन दिया है उसके तहत बिना टैक्स के भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब उनके पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? सही बात हर भारतीय के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब जी आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपको किसी सेठ, साहूकार, बैंक या रिश्तेदार के पास पैसे मांगने नहीं जाना होगा, आपके ही डेबिट अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा, और जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप आसान किस्तों में पट जाएगा, राइट? जी राइट और यदि आप नहीं कमा पा रहे हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपकी क्षमता, सोच, चिंतन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा, उनमें अभ्यास कराएगा, और टीम में मनाकर आपको कहीं रोजगार मांगने नहीं जाना होगा, बल्कि आप जो है
राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेजा जाएगा और साथ में धन का निर्माण होगा, जो एक डिजिटल मनी होगी जिसका जी नाम हमने दिया है भारत विकास निधि। और एक भारत विकास निधि 1 रुपए 1.1 रुपी के बराबर होगी। तो भारत विकास निधि से आप जो कुछ भी खरीदेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट आपको अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मिलेगा 10%। तो नवनीत जी मुझे ये बताइए कि हम लोग जो है, जब इसमें कुछ नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, तो हम महापरिवर्तन के लिए अपने घर पर अपने लोगों को चाय पे नहीं बुला सकते, बुला सकते हैं भोजन पे नहीं बुला सकते हैं? ये सब बुला सकते हैं, तो नहीं परिवर्तन क्या अगर हम करना है कोई तो छोटा बुला मोटा धार्मिक आयोजन करके अपने परिवार के रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन लोगों से हम बरसों से जुड़े हैं उनको उस सकते धार्मिक आयोजन में बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं? हैं, बुला सकते हैं। जो हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो यदि हम एक छोटा सा काम कर दें, महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, महापरिवर्तन के लिए बच्चे का जन्म दिवस, वर्षगांठ, और महापरिवर्तन के लिए शादी सालगिरह समारोह, तो आप ही कहेंगे साहब ये बाहर चीज में महापरिवर्तन क्यों जोड़ रहे हैं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी यदि आप बिना महापरिवर्तन जोड़े और अपने निमंत्रण पत्र में ये नहीं लिखेंगे, तो शादी सालगिरह में आप केक काटने के पहले यदि उनसे महापरिवर्तन के वीडियो देखने के लिए कहेंगे तो उनमें से सही बहुत सारे लोग नाराजगी व्यक्त करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बात है, सब चलिए। यदि हम अपने टाइटल में, अपने निमंत्रण में ही महापरिवर्तन के लिए लिख देंगे, तो यदि आप कुछ नहीं करोगे तो वो आपसे उल्टा पूछेंगे कि भैया ये महापरिवर्तन के लिए ये किया गया है, वो महापरिवर्तन है क्या? तो सवाल करेंगे क्या चीज है, क्या बात है। अब नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? कर जी सर, करेक्ट है। रखा है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अपने तरीके से देखने का क्या तरीका होता है? क्योंकि नहीं तो यूट्यूब की एल्गोरिदम आपको जो है ना सब चीजें परोसती हैं और उनके हिसाब से आप देखने के लिए विवश होते हैं। तो क्या आप ये उपाय जानना चाहते हैं कि किससे आप बड़ी आसानी से क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल के अंदर पहुंच पाएंगे और सभी वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और कम्युनिटी पोस्ट जो है आप अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे? आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है। आप इसे समझना जी चाहेंगे? अच्छा, हाँ सर, समझ लेंगे समझ लेंगे। ठीक है। तो आप अपने उसमें YouTube चैनल पर जाइए और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है क्राइम फ्री भारत मिशन YouTube चैनल, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर जो है, आप YouTube में ही सबसे नीचे प्लस साइन के बगल में एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, तो आपको अपने सब्सक्रिप्शन टैब को दबाना है। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन टैब को दबाएंगे, तो चूंकि क्राइम फ्री भारत को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो आपको हमारी यूनिफॉर्म में फोटो दिखाई देगी और उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखा है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो है लिखा है, कहीं व्यू चैनल लिखा होता है, कहीं पे विजिट चैनल लिखा होता है। तो चाहे व्यू चैनल लिखा हो या विजिट चैनल लिखा हो, दोनों एक ही चीजें हैं। उसे क्लिक करेंगे तो आप फिर क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल के अंदर चले जाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो आप देखें और अपने बिल्कुल लोगों को बिल्कुल शेयर करें। सर, वैसे सर मैंने लेकिन आपको कॉल इसलिए किया, इसी से किया है। अच्छा, अब आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है? सर अभी नहीं किया, लेकिन कर लेंगे अब आप। क्या आप समझते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं? ये तरीकों से आप परिचित हैं क्या? तो नहीं सर, अभी तो परिचित नहीं है, क्या तरीका मैं कई तरीके, है। देखिए आपने मुझे फोन लगाया, इसका मतलब है आपने कोई ना कोई फीड मेरी जरूर पढ़ी होगी, जी 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 सर, पढ़ी है थोड़ी सर किसी का, कोई ना कोई मैंने वीडियो जो है ना देखा होगा।
पर मैंने भी वो जो आप नामदेव से बात कर रहे हो ना, बासठ अशोक वर्ष नामदेव की, जी से बात कर रहा हूँ। हाँ, वो एक किसान जी है। हाँ, जी वो आपने सुना है। जी तो उसी जो है मैसेज में यदि आप देखेंगे तो मेरे जी नाम के ऊपर एक लिंक दी गई है जिसमें ऊपर लिखा हुआ भी है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, राइट? तो अच्छा आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपका ऐप डाउनलोड होगा और ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो यदि आप पहले से कुटुंब ऐप से नहीं जुड़े हैं तो वो आपको कुटुंब ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपना जी फोटो डालिए फोटो वाली जगह में, तो उसमें लिखा है जी फोटो और उसमें एडिट लिखा हुआ है प्लस साइन है, उसको दबा दीजिए। तो अपने जी गैलरी में अपनी फोटो जो है ना पहले से रख लीजिए, या जी आप यदि नहीं है तो अभी फोटो ले लीजिए और उसको फोटो डाल दीजिए, राइट? और फिर अपने बारे में लिखिए कि आप व्यवसायी हैं, जो भी आप अपना परिचय लिखिए, और जिस जी जहां आप रहते हैं उस जगह का, जी बाराबंकी में आप रहते हैं तो बाराबंकी का जो पोस्टल पिन कोड है वो लिख के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो क्राइम जी फ्री भारत मिशन के आप ऐप द्वारा सदस्य भी बन जाएंगे और अच्छा ऐप आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड तत्काल जारी करता है, राइट? तो वो राइट फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको मैथिली शरण गुप्त से नहीं लेना होगा। इतनी बात समझ में आई है क्या? अच्छा आ गई। तो आपको वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा कहाँ? तो आपको अपना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो कि कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है उसको क्लिक करना है, राइट? और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ सबसे किनारे आपका फोटो दिखेगा और उसमें प्रोफाइल आपका लिखा हुआ है, उस प्रोफाइल को क्लिक करना, राइट? ठीक जैसे ही आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और उसमें सबसे ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड है और उसके नीचे चार लिंक दी गई है, सर, ठीक सर, राइट, राइट? तो आप जो वो चार लिंक हैं सबसे नीचे जी डाउनलोड है, डाउनलोड पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है क्राइम जी फ्री भारत मिशन का वो आपको फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा और यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, लेमिनेट करा सकते हैं, अपने गले में टांग सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, इसके अलावा तीन उसमें ऑप्शन है। जी पहला ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप। जी जी तो ये ऐप इतना अच्छा है कि जब आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपकी तरफ से मैसेज क्रिएट कर देगा और आपकी एक लिंक क्रिएट करेगा वो, राइट? तो राइट आपकी लिंक से जो जुड़ेगा वो आपके उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा कि आपके रेफरेंस से ये जुड़े हैं और हर जी प्रत्येक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा जब आप 10 लोगों को जोड़ देंगे तो ऐप आपको जिला अधिकारी बना देता है, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर जो है वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। अच्छा यदि आप जैसे कोई जिले के प्रभारी बनना चाहते हैं, राज्य के प्रभारी बनना चाहते हैं, तो आप फिर उसके लिए मुझे आवेदन कर सकते हैं कि साहब हमने अब जी तक 100 से अधिक लोगों को जोड़ दिया है और मैं जी जो है इस मुहिम को और तेजी से चलाना चाहता हूँ, तो आप मुझे, जी यदि आप जिले का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्षेत्र के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राज्य के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, या उपाध्यक्ष जी बनना चाहते हैं, या जो भी है, या आप वहाँ के अध्यक्ष व्यापारी विंग के बनना चाहते हैं, तो आप जिस जो आपकी सोच हो उसके हिसाब से आपने जो काम किया है उसके आधार पर आपको पद दिया जाएगा। ठीक है सर, तो पद जो है वो जोड़ने के आधार पर है, राइट? ठीक अब राइट, आपको एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपको जोड़ना किसे है। तो आपको अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बरसों बरस के मित्रों को, अपने वर्ष जी से जो पड़ोसी हैं उनको, और जिन संगठनों से, जिन विभागों से, जिन ग्रुपों से, जिन सब उससे आप जुड़े रहे हैं उनके ऊर्जावान लोगों को पहचानना है और 10 लोग सबसे जो ऊर्जावान लगते हैं उनको जी आइडेंटिफाई करके उन्हें संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ना है। और जी जैसा मैंने आपको समझाया है कि महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, जी महापरिवर्तन के लिए जन्म दिवस वर्षगांठ या जी जन्म दिवस समारोह, और महापरिवर्तन के लिए
शादी की सालगिरह समारोह, उसका आयोजन करके उसमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो आपने सब्सक्राइब की है उसका जी जो वीडियो भी आपकी आत्मा के सबसे नजदीक है उसे साथ में बैठ के देखिए, और फिर लोगों से प्रार्थना करिए कि यदि उन्हें ये कन्विंसिंग लग रहा है, यदि वो हाँ कहते हैं तो भी जी कि क्या उनके जेहन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, और उनको उसे लिखने के लिए कहिए, और उनका जवाब आपको नहीं देना है। यदि आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे जोड़ देंगे तो मैं जी उनके हर प्रश्न को भी सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा, और फिर चाहूंगा कि यदि वो संतुष्ट हैं तो संकल्प लें और शपथ लें और 9 दिन का ये सरल उपाय करने के लिए आगे बढ़े। हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, तब माननीय जी नरेंद्र मोदी जी भी हमारी बात सुनेंगे, ठीक और फिर वो 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकार के लिए टास्क फोर्स बना देंगे, जिनको मार्गदर्शन दर्शन देने की जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं भारत सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। उन्हें जो है 20 गुना ज्यादा भारत सरकार के पास संपत्ति आ जाएगी, जी राइट? आपको राइट जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त ये भी है कि जब आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा है तो आपको देशवासियों से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। लिहाजा पहले साल जो है टैक्स की दरों में 50% का गिरावट, दूसरे साल उसे 25% करना है, तीसरे साल उसे 10% करना है, चौथे साल उसे 5% करना है, और पांचवें वर्ष जो है हमें टैक्स जीरो कर लेना है। तो हर तरीके के टैक्स जो है जीरो हो जाएंगे, तो आपका जी जो है आय का जो है जो बाइंग पावर है वो बढ़ जाएगा, और टैक्स के कारण जो आप डरे रहते हैं, कोई भी आपके ऊपर छापा मार रहा है, कोई भी आपको तंग कर रहा है, उन सब चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे, और साथ में ही आपको रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा जी का मौलिक अधिकार और जी समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। आप जी बताइए क्या ये राजनेता आपको ऐसा भारत देने का सोच, चिंतन, क्षमता रखते हैं? नहीं सही बता रखते हैं। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? सर हम पूर्ण से सहमत है आपकी बात से, दोनों से बिल्कुल तो क्या आप पूरी शक्ति से आयोजन करेंगे? सर बिल्कुल, इसके आप ऊपर आपकी अपने पूरी आसपास के जो भी संगठन हैं उनके पास भी जाएंगे, बिल्कुल आसपास सर के स्कूलों में, कॉलेजेस में भी जाएंगे, और जी यदि आप जो है उसमें करना यही है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं उन्हें डाउनलोड करिए, वहां पर उनके साथ बैठ के सुनिए। यदि आप जी मुझे पहले से आमंत्रित करेंगे तो मैं वहां पर पहुंचा हूंगा, और यदि आमंत्रित नहीं कर पाते हैं या उतना समय नहीं है तो आप मुझे यदि सूचित कर देंगे तो मैं वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ जाऊंगा, और आपके जितने भी लोग हैं उनके शंका समाधान को करते हुए उन्हें संकल्प जी और शपथ दिलाऊंगा, ठीक है बच्चों सर के माध्यम से उनके अभिभावक माता पिता तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, और यदि जी हमने यह काम संकल्प और शपथ से कर लिया तो ये जी बात आप मानेंगे कि निश्चित रूप से हम जो है मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, तब जी माननीय नरेंद्र मोदी जी अब अपने लाभ के लिए हमें समर्थन भी देंगे, 21 टास्क फोर्स महालक्ष्यों के लिए और 5 टास्क फोर्स मौलिक अधिकारों के लिए गठन कर देंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उन्हें या उनके ब्यूरोक्रेट को तंग नहीं करूंगा, उनके जो है ऊपर कोई धन का भार नहीं पड़ने दूंगा, और मैं सब चीजों को पकाने की जिम्मेवारी इस टास्क फोर्स के माध्यम से मेरी होगी, और उसे जी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही अनुमोदित कर कर यह लाभ आप तक पहुंचा दूंगा। तो आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? राइट। दिवस होना पड़ेगा हो जाएगा और यदि वो नहीं मानते हैं
तब हमारे पास एक दूसरा विकल्प भी है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भेज देंगे और जी फिर हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर उस व्यक्ति को जी नहीं जिताएंगे, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए अपने आप को जिताएंगे और उस माध्यम बनेगा वो चंद्रगुप्त। तो उस चंद्रगुप्त को आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिना वोट मांगे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? इस आंधी में इवन माननीय नरेंद्र मोदी समेत सभी राजनीतिक के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएगी यदि वो चाहते हैं जब ये आंधी बनना चालू होगी तो उनके जी लिए भी ये विकल्प खुला हुआ है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, बिना जो है ना पैसा खर्च किए टिकट पाएं हम थोड़ी और बिना पैसा खर्च किए मंत्री भी बने। ये ले लेंगे बताइए, इससे बेहतर और कुछ हो सकता है क्या? नहीं तो सबसे बेस्ट यही है चलिए, तो नवनीत जी एक बार जी। फिर से मैं आपका पूरा नाम, आपने नवनीत चौहान बताया था ना, नवनीत कुमार चौहान ठीक नवनीत कुमार चौहान। तो नवनीत जी, मैं आपको एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल तक हमारी ये वार्तालाप जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगी। क्या आप जी अपने देशवासियों को, अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर हाँ बस ये एक सरल चीज देंगे बिल्कुल अपराध मुक्त होना चाहिए भारत संदेश ही देना चाहिए ओके, तो इस अपराध मुक्त होना चाहिए, इसके जी। लिए सर आप कोई अपील नहीं करना चाहेंगे अपने लोगों से? तो अपने लोगों से यही अपील करेंगे अधिक से अधिक इससे जुड़ें और भारत में ये इसको थोड़ा सहयोग प्रदान करें संबंधित तो बहुत सुंदर। तो नवनीत कुमार चौहान जी, आपसे अच्छा वार्तालाप हुई। मुझे आशा है कि जो जो आपने आज प्रॉमिस किया है उसे आज से ही चालू करेंगे और महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, महापरिवर्तन के लिए जन्म दिवस, महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह मनाने की परिपाटी आज से ही प्रारंभ करेंगे और अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को भी इसे प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करेंगे। लिहाजा जिसका जन्मदिन होगा, बच्चे का हो या खुद का हो, या कोई सालगिरह होगी, या कोई सत्यनारायण की कथा से लेके कोई भी जो है आयोजन किया जा सकता है। ये आयोजन सिर्फ एक बहाना है लोगों का एक जगह इकट्ठा होने का, हाँ एक सर ये एकजुट करने का एक वर्कशॉप ऑप्शन तरीका है केवल, है और जी उसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ सकेंगे। जी अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।